हम लोग भी बात करेंगे शरीर के साथ मैं की व्यवस्था। तो हम लोगों ने मानव को मैं और शरीर के सहस्तित्व के रूप में समझने का काम किया। उसके बाद हमने मैं को और विस्तार समझने का काम किया। एक बार मैं स्पष्ट हो जाए तो मैं शरीर से कैसे जुड़ा हूँ, शरीर के साथ मेरी क्या भागीदारी है, इसको और समझ पाएंगे। इससे दो चीजें स्पष्ट होंगी, समृद्धि और स्वास्थ्य। समृद्धि शब्द का प्रयोग करते रहे हम लोग, समृद्धि को और विस्तार समझेंगे और स्वास्थ्य को भी समझेंगे। तो अभी हम मानव के साथ, मानव में संगीत या व्यवस्था को समझने का ही काम कर रहे हैं, और इस क्रम में हम शरीर के साथ मैं की व्यवस्था को समझने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है अभी प्रस्ताव की जो विधि आप तक ठीक से पहुंच पाई है, आप में से कई लोग बड़ी सहजता के साथ पूरी बात को जांचने का प्रयास भी कर रहे हैं और उसे जीने से जोड़कर भी देख रहे हैं। जो आपको उदाहरण आए उससे दिख रहा है कि आप उसको जीने से जोड़कर देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये हमने बात किया था कि मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है। आप थोड़ा आगे अध्ययन करें तो दिखेगा कि मेरा और शरीर का जो जुड़ाव है, जो सहस्तित्व है, वो इसी रूप में है कि मेरे तरफ से कोई सूचना जाती है शरीर को निर्देश के रूप में, और शरीर से सूचना आती है मुझ तक निर्देश के रूप में, संवेदना के रूप में, और यही मेरा शरीर के साथ सहस्तित्व है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ तो मैं कोई निर्देश दे रहा हूँ जिससे मुंह से शब्द निकल रहे हैं। स्लाइड को देख रहा हूँ, कैसे देख रहा हूँ, क्योंकि ये दृश्य जो है मेरी आंखों के माध्यम से मुझ तक पहुंच रहा है, संवेदना के माध्यम से मुझ तक पहुंच रहा है। पूरे समय मेरा और शरीर का जो आपस में सहस्तित्व तो बना हुआ है, वो इसी प्रकार से बना हुआ है। जी, कोई कुछ कहना चाह रहे हैं? शरीर एक जड़ इकाई के रूप में काम कर रहा है। जी, मंसारे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मंसारे जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हेलो। जी जी बताएं। हाँ सर, मैं पिछले प्रश्न में बोलना चाह रहा था, लेकिन वो पिछला प्रश्न चला गया मान्यता वाला। ठीक है, कोई बात नहीं। जी अच्छा ठीक है, खैर इसमें हम लोग विश्लेषण करते रहेंगे। जी 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 ये हटा दीजिए एंड्राइज आप। अपने को ध्यान में आया था कि मेरी आवश्यकता है वो सुख है, समृद्धि है, निरंतरता में। शरीर की आवश्यकता सुविधा है। मेरी आवश्यकता और मेरी क्रिया दोनों ही निरंतर है। शरीर की हर आवश्यकता सामयिक है, समय समय पे है। और ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि ये एक निरंतर वस्तु है, मैं, यानी मैं एक निरंतर बनी रहने वाली इकाई हूँ, शरीर एक सामयिक इकाई है। तो मानव के होने में मैं केंद्र में हूं, मेरे लिए शरीर है, शरीर के लिए मैं नहीं हूं। तो शरीर मेरा एक साधन है, शरीर के माध्यम से मैं व्यवहार कर पाता हूँ, कार्य कर पाता हूँ, सूचनाएं ले पाता हूँ, सूचनाएं दे पाता हूँ, शिक्षा ले पाता हूँ, शिक्षा दे पाता हूँ, साधनों का उत्पादन कर पाता हूँ। किस अर्थ में? ताकि मैं सुख और समृद्धि को निश्चित कर पाऊँ। और उसका मतलब है क्या, मुझ में ज्ञान की पूर्णता हो जाए, समझ की पूर्णता हो जाए, क्योंकि यही मेरा विकास है। शरीर में जो कुछ भी है वो तो चक्रियता में दिखता है ना, शरीर उत्पन्न हुआ, नष्ट हो जाता है। तो शरीर में तो कुछ कॉन्टिन्यूटी नहीं है, जो कॉन्टिन्यूटी वो मुझ में है। तो शरीर मेरे एक साधन के रूप में है, ये दिख जाता है अपने को। तो शरीर मैं का साधन है और मानव के होने में मैं केंद्र में हूं। और ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि जब ये बात हमें समझ में आती है कि शरीर मेरा साधन है, तो मैं शरीर के प्रति जिम्मेदार हो जाता हूँ। कैसे जिम्मेदार होता हूँ? शरीर के पोषण की जिम्मेदारी स्वीकारता हूँ, यानी शरीर पुष्ट रहे तो इसलिए शरीर को भोजन की व्यवस्था करता हूँ, पानी की व्यवस्था करता हूँ, आहार की व्यवस्था करता हूँ, संरक्षण की व्यवस्था करता हूँ, शरीर बना रहे, कपड़े की व्यवस्था, मकान की व्यवस्था करता हूँ, और शरीर का सदुपयोग करता हूँ। किस अर्थ में? जिसे हमारे अंदर ज्ञान हो जाए, समझ हो जाए, ये सदुपयोग हुआ। जैसे अभी हम सदुपयोग कर रहे हैं, उस सदुपयोग के अर्थ में हम एक साधन का प्रयोग कर रहे हैं, ये कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये साधन है। किस अर्थ में? ज्ञान के अर्थ में, समझ के अर्थ में। इसका निष्कर्ष, ठीक है, एक रिफ्लेक्शन लेते हैं। तो ये बात ठीक है क्या कि सुविधा की आवश्यकता शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग के लिए ही होती है? इसको थोड़ा सा देख लें कि सुविधा की आवश्यकता सिर्फ इन्हीं तीन कारणों से है या कोई और भी कारण हो सकता है? आपका थोड़ा रिफ्लेक्शन लेते हैं, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। क्या सुविधा का और भी कोई प्रयोजन होता है क्या? अगर होता हो तो उसे आप माइक
ऑन करके बता सकते हैं। सुविधा किसी और पर्पज से हमें काम आती हो, न तो शरीर का पोषण हो, न संरक्षण हो, सदुपयोग हो, कोई और पर्पज हो, ऐसा लगता है क्या? जब मानसिक स्थिति की बात होती है जी तब इन तीनों चीजों का कहीं अस्तित्व नहीं दिखाई देगा क्या? थोड़ा सा और उसको विस्तार। मानसिक स्थिति तो मैं की स्थिति हुई, सुविधा तो शरीर के लिए हुआ। नहीं, इन तीन चीजों के लिए जिनको आप कहना चाह रहे हैं तो क्या मानसिक स्थिति के लिए इन चीजों की आवश्यकता नहीं है फिर क्या? भाई अगर हम देखें तो मानसिक स्थिति को ठीक बनाए रखने के लिए समझ की आवश्यकता, सुविधा की नहीं। परंतु जब हमारे में समझ नहीं होती तो सुविधाओं की जरूरत पड़ जाती है। वो भी क्यों पड़ता है? क्योंकि शरीर पर जो दुष्प्रभाव पड़ रहा है गलत मानसिक स्थिति का, उससे बचाए रखने के लिए। जी सुष्मिता जैन जी कुछ कहना चाह रही है। ये ठीक है रमेश जी? मैं आपसे पार्शियली सहमत हूँ। अभी डिस्कशन जारी रहेगा, डिस्कशन जारी रहेगा, देखते हैं अपन। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। सुष्मिता जी कुछ कह रही है, फिर उसके बाद समीरा जी ने भी हाथ उठाया था। जी सुष्मिता जी आवाज नहीं आ रही आपकी, तब तक समीरा जी अपनी बात रखें। मैं भी रमेश जी के साथ ही थोड़ा सा अपने को देख पा रही थी कि शरीर और मैं, और शरीर और मैं से जब हम दोनों को अलग कर रहे हैं तो मैं के लिए सुविधा आवश्यक नहीं है, लेकिन मैं के तनाव को कम करने के लिए तो सुविधा की आवश्यकता होती है। आप अगर उसको उदाहरण दे तो और मैं क्लियरली बताऊंगा। उदाहरण जैसे मैं अपना विचार कर रही हूँ, मैं अपनी दैनिक क्रियाएं कर रही हूँ, तो मैं दो स्तर पर कर रही हूँ, एक शारीरिक पे कर रही हूँ और एक मानसिक पे कर रही हूँ। अगर मान लीजिए कि मुझे कुएं से पानी भरना है और उस समय मेरा विचार भी उछल रहा है, अगर नल से पानी आ जाता है तो वो मेरे लिए सुविधा हो जाएगी। कुएं से पानी भरने में मेरा श्रम भी ज्यादा जा रहा है और मुझे अलर्ट भी ज्यादा रहना पड़ रहा है, ये इस तरह का मुझे कुछ लग रहा था। तो ये मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ, उसको बताइएगा। अगर देखें तो आवश्यकता पानी की है ना? जी पानी की आवश्यकता किस बात के लिए? शरीर के पोषण के लिए। जी उसको उत्पादन करने के दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम कुएं से पानी ले आए या नल से पानी ले आए उपलब्ध कराने के लिए। तो जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो उत्पादन में शरीर के पोषण संरक्षण या सदुपयोग की वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। उस उत्पादन को सुगम बनाने के हम साधनों का प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, वो जो भी साधन होते हैं शरीर के उपयोग को बढ़ा देते हैं। जैसे किसी को 10 मील पैदल जाकर कुएं से पानी भर के लाना हो तो शरीर बहुत थकेगा, बाकी काम नहीं कर पाएगा। परंतु यदि वॉशरूम में ही टैप में पानी आ रहा हो तो शरीर का बहुत सारा समय बचाया जा सकता है। अभी क्या हुआ? सदुपयोग हुआ, शरीर का सदुपयोग हुआ। तो जो उत्पादन के उपकरण हम प्रयोग करते हैं इनसे शरीर का सदुपयोग हो जाता है। तो शरीर ही फिर मैं को भी तो पोषित करता है। अब उसमें क्या हुआ, शरीर का सदुपयोग बढ़ा। अगर आप इसके पूरे क्रम को देखें तो सुविधा शरीर के काम आया, शरीर मेरे काम आया, ये सुविधा सीधे सीधे मेरे काम नहीं आई। अच्छा ठीक है, हम तो बिल्कुल विभिन्न स्तरों पर शरीर और मैं को देख रहे हैं। जी ठीक है, वैसे भोजन शरीर के काम आया, शरीर मेरे काम आया, एक दूसरे के पूरक नहीं हुए है ना? पूरकता है, परंतु दोनों की अपनी अपनी भागीदारी है। ओके ठीक है, थैंक यू जी। लखन मैसेज जुड़ने मैसेज मुझे जी थोड़ा सा ऐसा करेंगे, सुष्मिता जी ने पहले हैंड रेज किया, पहले सुष्मिता जी को सुन लेते हैं। जी जी सर, मेरा मैंने हैंड रेज किया था सर, जो पोल आपने अभी हमारे सामने भेजा था तो उसमें सर जो हम सुविधा की बात कर रहे हैं कि सिर्फ क्या हम उसका प्रयास अपने शरीर के लिए करते हैं तो और सर हम और क्या हो सकता है? सर सुविधा तो हम जैसे हम अपने बच्चों के लिए भी सुविधा को सर सुविधा के लिए प्रयास करते हैं क्योंकि बच्चे हम पे डिपेंडेंट हैं तो उनके लिए भी तो सर हम ही प्रयास करते हैं तो यहाँ पे हमारा दायरा हमारे से आगे निकल जाता है। अच्छी बात है, उसमें भी आप देखें तो बच्चे के लिए भी हम मैं के लिए कर रहे हैं या शरीर के लिए कर रहे हैं, दोनों को ठीक ठीक देखने की जरूरत है। तो पोषण मेरे शरीर के लिए भी जरूरी है, बच्चे के लिए भी,
तो जैसे हम कोई उत्पादन करते हैं, कहीं काम करते हैं, वहां से हम सुविधा पाते हैं, उस सुविधा से मैं अपने शरीर का भी पोषण करता हूँ, बच्चे के शरीर का भी पोषण करता हूँ। बच्चे को एजुकेशन पे जो मैं खर्च कर रहा हूँ वो उसके शरीर का सदुपयोग के अर्थ में हुआ, क्योंकि एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, बच्चे के अंदर सही समझ सही भाव विकसित हो, ये सुविधा का सदुपयोग हुआ। जी, पर मतलब ये प्रयास केवल हमारे तक सीमित नहीं रहता है, ये प्रयास हम हमारे से आगे हमारा दायरा बढ़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, परंतु वहां जो दायरा बढ़ा उसमें भी हम क्लियरली देख सकते हैं कि मैं के लिए है या शरीर के लिए है। तो इसमें सर बच्चे के लिए कर रहे हैं तो मैं के लिए आया भाई, बच्चे के लिए भी अगर कर रहे हैं, जैसे बच्चे के लिए हमने भोजन उपलब्ध कराया तो बच्चे के लिए शरीर के लिए हुआ, बच्चे के लिए हम कपड़े खरीद कर लाए तो बच्चे के शरीर के लिए हुआ, हमने मकान बनवाया जिसमें हम भी रहते हैं बच्चा भी रहता है तो बच्चे के शरीर के लिए हुआ, बट बच्चे को एजुकेशन दिया सुविधा के माध्यम से, जी ये सुविधा का सदुपयोग हुआ। जैसे अभी हम देखें इस कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से कम्युनिकेशन कर रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, नेट से हम लोग इस समझ के मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं, अब ये सदुपयोग का मुद्दा हुआ कैसे, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि अभी 50 लोग आपस में जुड़ पा रहे हैं, देश के अलग अलग जगहों पर बैठे हुए। अब अगर हर व्यक्ति घर जाकर 5-5 दिनों का समय लगाना पड़े तो सोचिए कितना सारा समय लगता, उस समय को हमने बचाया, ये सदुपयोग हुआ। मोबाइल पे हमने बात कर लिया ना, कहीं दूसरी जगह जाना है हमने गाड़ी का प्रयोग कर लिया, हवाई जहाज का प्रयोग कर लिया, सैटेलाइट का प्रयोग कर लिया ताकि कम्युनिकेशन हो पाए, ये सब सदुपयोग के साधन भी। आपको दिखाई देगा कि सुविधा के जितना भी प्रयोग हो सकता है वो तीन ही पर्पज से है, या तो शरीर के पोषण के अर्थ में, या संरक्षण के अर्थ में, या सदुपयोग के अर्थ में, बाकी कुछ भी होगा तो दिखाई देगा कि दुरुपयोग, शराब पीने शरीर का पोषण तो हो रही। जी, तो ये साधन और साध्य के बारे में हम विचार पे चल रहे हैं। जी, तो साध्य में देखें तो साध्य में ये दाएं तरफ जो अभी लिखेंगे ना, तो शरीर के पोषण संरक्षण से क्या मिलता है, शरीर को स्वास्थ्य मिलता है, और सदुपयोग से क्या मिलता है, स्वयं में ज्ञान मिलता है, समझ मिलती है, भाव मिलता है, भाव सुनिश्चित होता है। तो शरीर का बाई प्रोडक्ट है क्या मैं? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। कौन कह रहे हैं? हम देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ, मुझे आत्मपोषण करना है और यदि मेरी मानसिक स्थिति सही होगी तो मैं सही तरीके से बैठ पाऊंगा, उस चर्चा पर विषय में अपना मनन कर पाऊंगा, चिंतन कर पाऊंगा और लेखनी को सही रूप दे पाऊंगा, यदि मेरा हाथ सही काम कर रहा होगा, मेरी शारीरिक स्थिति सही होगी, मैं बिल्कुल स्वस्थ प्रसन्न होऊंगा तो मेरा जो चिंतन है वो सही जाएगा, मेरा मन, मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस जब कर लूंगा तब मेरा मैं अपने आप को एक अच्छा महसूस कर पाएगा, तो पहले शरीर है फिर मैं आएगा, तो मेरा ऐसा मानना है क्या, क्या ये बाई प्रोडक्ट है इसका? प्लीज देखिए, स्थिति तो ऐसी है ना कि मैं और शरीर का सहअस्तित्व है, परंतु मैं में अभी समझ की पूर्णता नहीं है, इसलिए मैं में बहुत सारी परेशानियां बनी रहती हैं, उन परेशानियों के कारण शरीर पे प्रभाव पड़ता है, या शरीर का प्रभाव जब मैं पे पड़ता है तो और परेशान हो जाता है। उस परेशानी को कम करने के लिए हम बहुत सारे साधनों का प्रयोग करते हैं, तो जैसे जो मानसिक स्थिति है ना, अगर ठीक नहीं है, क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि समझ का भाव है, अगर समझ होगी तो अपने आप में निरंतर सुख में बने रहेंगे, उसके साथ शरीर का सदुपयोग करेंगे, परंतु अभी ऐसी स्थिति नहीं होती तो शरीर के लिए अनुकूलता देकर हम अपने आप में आराम पाने का प्रयास करते हैं। जिसको मानसिक स्थिति कह रहे हैं ना, वो किसकी स्थिति, मैं की या शरीर की, क्या लगता है? मानसिक स्थिति मैं की होती है, मैं की हुई। अब वो मानसिक स्थिति अगर आरामदायक नहीं है, यानी सुखी नहीं है, हार्मनी नहीं है, लय नहीं है, सामंजस्य नहीं है, उसके लिए जो कार्यक्रम बनता है वो तो ये बनता है कि समझा जाए, समझ को सही समझ सही भाव सुनिश्चित किया जाए, जो पहले हमने डिस्कस किया कि मैं में निरंतर सुख के लिए क्या कार्यक्रम बनता है, सही समझ सही भाव सुनिश्चित करना, वो काम करेंगे। अगर वो काम नहीं कर रहे और मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो फिर अपने आप को आराम देने के लिए हम कई बार सुविधाओं का प्रयोग करते हैं, जो सही मायने में सदुपयोग तो नहीं है, परंतु अभी हम टेम्पररीली उसको यूज करते हैं ताकि शरीर की स्थिति बिगड़ ना जाए, ताकि मेरी स्थिति बिगड़ ना जाए। तो इसका मतलब ये हुआ कि शरीर हमारा ओपन एजेंडा है और मैं मेरा हिडन एजेंडा है। नहीं, हिडन तो नहीं कहूंगा, मैं तो कहूंगा मैं भी बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आता है, शरीर भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है,
और मैं और शरीर का सहअस्तित्व भी स्पष्ट रूप से समझ में आता है। ध्यान देने की बात है, अभी आपने ध्यान देना शुरू किया है, जितना जितना और ध्यान देंगे ना और क्लैरिटी बनेगी। तो मैं एक चैतन्य इकाई हूँ, अपने आप में बना रहता हूँ, शरीर एक जड़ इकाई है और मैं और शरीर का सहअस्तित्व बना रहता है, बना हुआ है। तो मैं के रूप में दिख पाता है, शरीर शरीर के रूप में दिख पाता है, इन दोनों का सहअस्तित्व भी दिख पाता है। तो क्या जब शरीर का पोषण सही होता है तो क्या मैं का पोषण भी हो जाएगा? जैसा समीरा जी ने बोला कि साधन सही है तो साधन की उत्पत्ति सही हो जाएगी। इसको मैं फिर क्लैरिफाई कर दूं कि शरीर को पोषण मिला, इससे मेरे अंदर ये भाव आता है कि शरीर बना रहेगा ठीक से, इसको कहें तो समृद्धि का भाव आता है कि हाँ जी 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 इतना ही है। परंतु शरीर बना रहेगा इससे मैं आराम में रहूंगा कोई निश्चित नहीं है। राइट, एग्जैक्टली लेकिन कहीं थोड़ा सा है और इसका भाव विस्तार होगा तो समझ में आ जाए। कुमार जी, मैं एक बात और पूछना चाह रही हूँ कि अगर मैं और शरीर इन दोनों को जब जोड़ ले रहे हैं, सुविधाओं को भी हम ले पा रहे हैं, सामयिक भी कर पा रहे हैं, जैसे कि उदाहरण अभी मैं जो दे पा रही हूँ कि मैंने अपनी समझ और बुद्धि के साथ मेहनत करके पैसा कमाया, अपने शरीर को भी उसमें शामिल किया, नौकरी करी, और वो जो पैसा हमने अर्न किया वो पैसा हमने अपनी सुविधा या समृद्धि के लिए ना खर्च करते हुए किसी की एक राशन या मदद करने के लिए पहुंचा दिया। तो ऐसी स्थिति में ये मतलब पैसा, सुख, सुविधा, समृद्धि और मैं, इनको आप मुझे क्या बता पाएंगे कि हम किसको पोषित कर रहे हैं? अपनी समझ से तो हमने दे दिया उसको, तो सही समझ है ये, क्योंकि इसमें शरीर का कुछ काम नहीं है लेकिन शरीर ने मदद की जी। वो पैसा कमाया जी, बढ़िया बात है। अगर इसको थोड़ा विश्लेषण करें तो हमने सुविधा का उपार्जन किया जी, पैसा कमाया। अब हमको दिखता है कि मेरे पास आवश्यकता से अधिक है जी, तो मैं दूसरे के पोषण के अर्थ में उसको इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको लगा रहा हूँ। अब मुझे ये भी स्पष्ट हो जाए कि जब मैं दूसरे के ऊपर सुविधा खर्च करता हूँ या दूसरे की सुविधा का वितरण करता हूँ तो उससे अधिक से अधिक दूसरे के शरीर का उपकार हो सकता है। जैसे हमने दूसरे के लिए भोजन उपलब्ध करा दिया, कपड़ा उपलब्ध करा दिया, साधन उपलब्ध करा दिया, मकान उपलब्ध करा दिया, इससे शरीर का काम तो चल सकता है, परंतु इससे दूसरे में समझ विकसित हो जाएगी ऐसा नहीं है। नहीं, क्यों नहीं हो पाएगी? क्योंकि वो हमको जो करते हुए देख रहा है, हो सकता है उसको वो समझे और वो अगले के लिए भी करे जी। तो ये एक पॉसिबिलिटी तो है बट श्योर नहीं जी। श्योरिटी कब आएगी उसमें? जब हम उसके लिए सही शिक्षा की व्यवस्था करेंगे, सही समझ की व्यवस्था करेंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं दूसरे के शरीर के लिए सुविधा का वितरण करूं। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि सुविधा को मैं सदुपयोग करूं, इस अर्थ में कि दूसरे के अंदर सही समझ हो। थोड़ा जांचने पे पता चलता है कि हर मनुष्य की सुविधा की जितनी आवश्यकता है उससे अधिक उत्पादन कर पाने में सक्षम है। इसलिए दूसरे के शरीर की आवश्यकता को मैं पूरा करूं ये कोई निरंतर कार्यक्रम नहीं बन सकता। सामयिक रूप से कभी कर दे हैं वो ठीक है, जो कार्यक्रम बन सकता है वो ये हो सकता है कि समाज की व्यवस्था में भागीदार बने रहते हुए हर मनुष्य को समझदार, जिम्मेदार बनाने के लिए हम अपने आप को इन्वेस्ट करें, हम सुविधाओं को इन्वेस्ट करें, ये तो हो सकता है जी। कई बार आप देखेंगे ना कि जैसे अगर आपने भोजन बांटना शुरू कर दिया तो जो आदमी उत्पादन करके खा सकता है वो भी लाइन में खड़ा हो जाता है। हाँ, ये तो उसके आगे का जी है, क्योंकि हर हर विषय के दोनों सिक्के होते हैं। पहले नहीं, अब मैं इसमें थोड़ा और गहरी बात कर रहा हूँ कि अल्टीमेटली उस आदमी को दरिद्र बनाने वाले जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी हो गए जी, है ना। तो इसलिए अगर हमें सुविधा को दूसरे के ऊपर इन्वेस्ट भी करना है तो उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी हम समझ के लिए इन्वेस्ट करें जी, है ना। फिर सामयिक रूप से संबंधों में कहीं अगर जरूरत पड़ती है तो उसमें इन्वेस्ट करें जी, और उसके शरीर के लिए तो अति सामयिक रूप से कभी जरूरत पड़ सकती है, कोई आपातकालीन स्थिति है, कुछ है तो प्रयोग कर सकते हैं। परंतु जिस बात का एक परंपरा बन सकता है, जिस बात की एक बारंबारता हो सकती है, वो तो यह कि व्यक्ति के समझ के विकास के लिए सुविधाओं को इन्वेस्ट किया जाए, सदुपयोग किया जाए। थैंक यू, अग्रीड 100% जी।
ये बात उन्होंने किया था, तो इसमें कि सुविधा की आवश्यकता शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए ही होती है, तो इसमें अधिकांश ने कहा है कि दृढ़ता से सहमत है या सहमत है, और कुछ लोगों ने कहा है कि न सहमत है न असहमत है और असहमत है। बहुत अच्छा, अच्छी बात है कि आप लोग इस ऑनलाइन मोड में बहुत सारा एक्सप्लोरेशन कर पा रहे हैं। जी आगे चलते हैं, इसका निष्कर्ष क्या होता है, जब मेरे अंदर ऐसी जिम्मेदारी का भाव होता है तो शरीर में स्वास्थ्य होता है। स्वास्थ्य में दो चीजें शामिल हैं, एक तो शरीर मेरे अनुसार कार्य करता है, दूसरा शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों के बीच में व्यवस्था होती है। तो शरीर में इतने सारे टिश्यूज हैं, है ना, ऑर्गेन्स हैं, इन सब का आपस में एक लय बना रहे, सामंजस्य बना रहे, इससे शरीर मेरे अनुसार कार्य कर सके, ये दोनों बातें शामिल होती हैं। तो आगे जो देखने की बात है, एक रिफ्लेक्शन ले लेता हूँ आपका, कि अगर इस विधि से देखें कि सुविधा का प्रयोजन तीन ही है, शरीर का पोषण संरक्षण और सदुपयोग, क्या लगता है सुविधा की मात्रा सीमित है या असीमित है? इस बीच कोई प्रश्न हो तो ले सकते हैं। सुरभि जी ने हैंड रेज किया, लखन जी की बात लेते हैं। जी सुरभि जी बताएं। जी हाँ, ये जो हमारा अभी विषय चल रहा है मैं और शरीर के बारे में, और जो हमारा सेशन हम जो पहले से ले रहे हैं, उस चीज को मैं कनेक्ट करना चाह रही थी। थोड़ा सा कनेक्शन इस तरह से कुछ मैं समझ रही थी कि जो अभी हम हमारा ये जो सेशन है, ये शायद मैं का सेशन है और इस मैं का पोषण है, सॉरी मैं के पोषण के लिए हम हमारे सुविधाओं को यूज कर रहे हैं। सुविधा जैसे कि अभी हमारा इंटरनेट कनेक्शन और लैपटॉप या जो भी मोबाइल है वो हो गया, और ये जो है इसको हम वाया हमारे, अगर किसी चीज को ग्रास्प कर रहे हैं तो वो ग्रास्प कर पा रहे हैं हमारे बॉडी पार्ट से, जैसे कि मैंने कहा मेरे मेरे जो आंख हैं और मेरे कान हैं, उनका यूज करते हुए मैं इनको अभी जो है इसमें ले रही हूँ। तो हमारा ये सब इंटरकनेक्टेड ये सब चीजें हो गई, क्या ये कहना सही होगा जैसा अभी मैंने बोला? जी बाकी सब कुछ ठीक है, परंतु ये जो मैं में समझ का विकास होना है उसको मैं पोषण नाम नहीं दे रहा हूँ। पोषण तो सिर्फ सुविधा का शरीर के लिए जो प्रयोग हो रहा है उसके लिए कह रहा हूँ। इसमें हम कह सकते हैं कि इन माध्यमों से, इन साधनों के सदुपयोग से स्वयं में सही समझ सही भाव का विकास हो रहा है। जी तो मतलब पोषण और ये सब साधन के रूप में काम आ रहे हैं। जी पोषण ना कहते हुए मुझे मतलब समझ कहें जैसे, तो ये बाकी सब सही रहेगा ना, मतलब इस तरह से कनेक्ट कर पाना। जी जी धन्यवाद। तो अगर आप क्रम को देखें तो इंटरनेट और लैपटॉप और मोबाइल के प्रयोग से कोई सूचना मुझ तक आई तो वो हमारे ज्ञानेंद्रियों तक पहुंची, वो सूचना ज्ञानेंद्रियों से मुझ तक पहुंची, मैं अपने आप को उसको आकलन कर पाया, जांच पाया, जी कर देख पाया, उसे समझ बना, ये इन साधनों का सब उपयोग है। जी बिल्कुल धन्यवाद। रिफ्लेक्शन था तो ठीक है, बहुत सारे लोग देख पा रहे हैं, 26 लोग देख पा रहे हैं कि सुविधा की मात्रा सीमित है, उसकी आवश्यकता सीमित है, कुछ लोग असहमत हैं, अच्छी बात है, इसको और तो हम जांचें परखें, तब तक मैं कुछ बात और आगे बढ़ाता हूँ। तो शरीर के प्रति मैं की जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सुविधा की जो आवश्यकता होती है स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने के क्रम में, तो देखिए तो तीन ही पर्पज से होती है, शरीर के पोषण के लिए, संरक्षण के लिए, सदुपयोग के लिए, और इस प्रकार से सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान हो पाती है। थोड़ा सा इसको देखिए, शरीर के पोषण के लिए कितनी सुविधा चाहिए, सीमित मात्रा में असीमित मात्रा, जैसे हम भोजन करते हैं, सीमित है असीमित है? सीमित है। जो हमें कपड़ा चाहिए शरीर के संरक्षण के लिए, अगर इस गर्मी के मौसम में हमारे ऊपर कोई चार जोड़ी कपड़ा और डाल दे नहीं पहनना है, अब वो शरीर के स्वास्थ्य में बाधा हो जाएगी, दंड हो जाएगा। अगर आप खाना खा चुके हो, ढकार आ चुका हो, उसके बाद कोई कहे नहीं मेरे नाम पे चार रोटी और खा लो, अब वो दंड हो जाएगा, है ना, सजा हो जाएगी हमारे लिए। वैसे जो हम साधनों का प्रयोग करते हैं, अगर साधनों के प्रयोग से सही समझ विकसित हो रही है तो दिखता ही है कि हाँ इसकी मात्रा बिल्कुल सीमित है, जैसे एक लैपटॉप एक मोबाइल से इतनी सारी बातें हो सकती हैं कि नहीं, इसके बजाय अगर 10 भी जुटा ले तो भी उसकी मात्रा सीमित ही रहेगी, और बात उतने कम सदुपयोग नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमको सुविधा की आवश्यकता को तय करना हो तो उसके प्रयोजन को देखना जरूरी है। तो हमें से हर व्यक्ति देख सकता है कि मुझे अपने शरीर के पोषण के लिए क्या आहार चाहिए, कितना आहार चाहिए, संरक्षण के लिए कितना वस्त्र और साधन, कितने वस्त्र और मकान की जरूरत है, सदुपयोग के लिए कितने साधनों की जरूरत है। इसको आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे
दिखाई देगा, मैं इसमें एक रिफ्लेक्शन और शेयर करता हूँ कि मेरे शरीर के लिए जो आवश्यक सुविधा जैसे भोजन मात्रा में सीमित है या असीमित है, वैसे शरीर के संरक्षण के लिए सुविधा चाहिए कपड़े जूते घर सीमित है या असीमित है। साधन की अगर बात करें उपयोग करने के लिए मोबाइल कार लैपटॉप उपकरण इस तरह की चीजें मात्रा में सीमित है असीमित है। तो रिफ्लेक्ट है तब तक लखन लाल जी की बात सुन लेते हैं। जी जी लखन जी आप कुछ कहना चाहते हैं? जी, जी जी मैं हालांकि बहुत पहले कुछ कहना चाहता था और बहुत सारी बातें इस बीच में हो गई हैं। मेरा सवाल भी वही था जो सुरभि जी अभी कह रही थी कि जैसे ये सेशन मैं के लिए है शरीर के लिए नहीं, लेकिन जो क्या बिना सुविधाओं के मैं तक पहुंच पाते क्या हम, एक मेरा सवाल। दूसरा जैसे हम बोलचाल की भाषा में किसी अपने मित्र से कह देते हैं यार तुम तो मुझे अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो, अब यदि हमारे प्राण इस पर बगावत कर दें कि भाई यार जब मुझसे ज्यादा प्रिय तुम्हारा मित्र तो मेरा क्या काम, मैं चला जाता हूं, तो मेरा अब मेरा शरीर बिना मेरे प्राण के उसका क्या अस्तित्व रह जाएगा। तो पहली बात पर अगर रिस्पॉन्ड करें तो इन साधनों के माध्यम से हम ज्ञान अर्जित कर पा रहे हैं, ये साधन हमारे शरीर के सदुपयोग के अर्थ में है, इसको सदुपयोग की श्रेणी में रखेंगे। हमारे अंदर सही समझ सही भाव का विकास हो रहा है कुछ साधनों के माध्यम से, तो क्या हो रहा है ये जो लैपटॉप है मोबाइल है ये मेरे शरीर के लिए एक साधन के रूप में काम कर रहा है, शरीर मेरे साधन के रूप में काम कर रहा है, किस अर्थ में, समझ और भाव के अर्थ में ये सदुपयोग हुआ। अगर पहले आपके प्रश्न का उत्तर ले, दूसरे में ऐसी बहुत सारी बातें हम लोग लूजली कहते रहते हैं है ना, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे तो सजगता बढ़ेगी। ये बहुत सारी बातें हैं जो मान्यताओं से हम प्रचलन में ले आए हैं और हम उसको कहने के प्रति बहुत सजग भी नहीं रहते, कहने के बाद उसके प्रति बहुत हम निष्ठावान भी नहीं बने रहते उस वाक्य के प्रति। हमने कोई बात कह दी प्राणों से प्रिय है बट कहने का एक मान्यता बना हमने कह दिया, परंतु यदि हम ठीक से देखें तो हमको ये दिखता है कि हर व्यक्ति के साथ मुझे संबंध का भाव स्वीकार होता है, तो हम अगले को कह सकते हैं कि तुम्हारे प्रति मेरे अंदर संबंध की स्वीकृति है, इतना कहना पर्याप्त है। कल जब हम लोग सम्मान की बात करेंगे तो दिखाई देगा कैसे हम संबंधों में अधिमूल्यन कर लेते हैं किसी ना किसी का, किसी का अवमूल्यन कर लेते हैं किसी का अधिमूल्यन कर लेते हैं, कल ये बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। रिफ्लेक्शन पे एक बार देख लेते हैं, संबंधों की स्वीकृति का वो सिंबल है ना प्राणों से प्रिय, भाई अब ये एक मान्यता है जो हमने भाषा बना दी है ना, फिर हम भाषा में खुद ही उलझ जाते हैं। आप कह रहे हैं कि है ना, जैसे अभी भैया ने कहा लखन जी ने कहा कि हमने एक भाषा बना दी और फिर भाषा में फंस गए हम कि प्राणों से प्रिय है, ये बात कितनी सही है कितनी गलत है, तो शरीर ज्यादा प्रिय है कि अगला व्यक्ति ज्यादा प्रिय है। ठीक है, तो अधिकांश लोग इस बात को देख पा रहे हैं मात्रा में सीमित है, अपने कोई साथी हैं जो नहीं देख पा रहे कि सीमित है वो असीमित कह रहे हैं, अगर वो हैंड रेज करें तो उनसे अलग से बात कर लेंगे। बहुत अच्छा, ठीक है अब आगे भी चलते हैं। तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि अब हमको शरीर के लिए जो आवश्यक सुविधा है उसकी मात्रा की सीमा दिखाई दे जाती है कि भोजन सीमित मात्रा में, कपड़ा मकान सीमित मात्रा में, साधन सीमित मात्रा में, और जब इतने सहजता से दिखता है तो यहाँ से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं, एक तो शरीर के सदुपयोग के लिए, दूसरा शरीर के स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम बन जाता है। तो समृद्धि के लिए क्या कार्यक्रम होगा, स्वास्थ्य के लिए क्या कार्यक्रम होगा, स्पष्ट हो जाता है। समृद्धि की थोड़ी बात करते, पहले भी हम लोगों ने किया था सुबह भी, तो मुझे सहज रूप से दिखता है, पहले तो हमने सर मैं जो अभी आप कह रहे थे कि भाषा में फंस जाते हैं हम लोग जी, प्राणों से ज्यादा प्रिय होना, अभी सुधीर आचार्य जी ने भी ये बात रखी, संजीव जी ने भी रखी, और कई बार ये सच भी होता है कि लोग अपने प्राणों से भी ज्यादा किसी को चाहते हैं, उसको प्रेम करते हैं, और उसके जाने पर वो खुद भी प्राण त्याग देते हैं। अभी कोरोना काल में भी कई बार ऐसा देखने को मिला और इसके पहले भी, तो ये क्या है, फिर थोड़ा सा इसको भी समझना चाहेंगे। तो अगर प्राणों से प्रिय है, भाषा है या वास्तव में भी ऐसा हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ तो कारण होगा, भाई अपने आप में जांच ले इसको, अगर ऐसा है तो कहें, नहीं ऐसा नहीं है तो ना कहें, सिंपल सी बात है। क्योंकि कई ऐसे उदाहरण देखने में अभी मिले हैं,
वही मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा है तो कह दे, ऐसा नहीं है तो ना कह। चाहता था और उसके जाने पर वो खुद सिक्योर के बाद जी, अगर ऐसा है तो कह दे, ऐसा नहीं है तो ना कहें जी। लेकिन ये द्वंद खड़ा करता है ना। तो समृद्धि को समझे तो दिखता है कि समृद्धि के भाव में दो आवश्यक बातें हैं, एक तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान, दूसरा उससे अधिक उपलब्धि या उत्पादन का भाव। ये दो चीजें हैं इसमें। अगर प्राइमरी देखें तो सुविधा की आवश्यकता की पहचान है। अगर सुविधा की आवश्यकता की पहचान ठीक हो तो हम तय कर पाते हैं कि अधिक हुआ कि नहीं हुआ, तो अधिक है कैसे तय होगा। तो इसमें पहला जो भाग है ना कि सुविधा की आवश्यकता का निर्धारण ठीक से हो पाए, वो सही समझ से हो पाता है, और उससे अधिक का उत्पादन हो पाए, उपलब्ध हो पाए, ये सही हुनर से होता है। तो समृद्धि के लिए ये दोनों चीजों पे काम करने की जरूरत है। अभी हम जो एजुकेशन में लेके जा रहे हैं ना, हम उत्पादन की तो बहुत बात करते हैं, रिसर्च करने की, इनोवेशन करने की, प्रोडक्शन करने की, प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज करने की, परंतु हम आवश्यकता की पहचान की बात नहीं करते। इसलिए समृद्धि सुनिश्चित करने के बजाय हम अपने आप में दरिद्र बने रहते हैं और प्रकृति को भी दरिद्र बनाते रहते हैं, प्रकृति को क्षीण बनाते रहते हैं। एक समृद्ध व्यक्ति की पहचान यह है कि सदुपयोग करने की बात करेगा, सोचेगा, दूसरे का पोषण करने की सोचेगा। एक दरिद्र व्यक्ति होगा वो संग्रह करने की सोचेगा, शोषण करने की सोचेगा। तो पूरी कल्पनाशीलता बदल जाती है। अगर हम समृद्ध होते हैं तो हमारी कल्पना एक प्रकार से चलती है, दूसरे का पोषण करने का भाव आता है, सदुपयोग करने का भाव आता है। दरिद्र महसूस करते हैं तो संग्रह करने का भाव आता है, शोषण करने का भाव आता है। आपका रिफ्लेक्शन ले लेते हैं सर, इसको प्लीज फिर से बताएंगे क्योंकि इसमें तो थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है। तो अगर हमारे अंदर समृद्धि का भाव होता है ना जी, तो हम सुविधाओं के सदुपयोग का विचार करते हैं कि सदुपयोग हो, पोषण करने का, यानी हम संबंध के अर्थ में अपनी सुविधाओं को दूसरों के लिए लगाने का विचार करते हैं। हमको दिखता है कि मेरे पास आवश्यकता से शेष है। जैसे एक प्रश्न शायद आपने रखा था, किन्होंने रखा था जी जी जी, मैंने आपने रखा था। हम उस सुविधा को दूसरे के पोषण के अर्थ में प्रयोग करते हैं। अगर हम समृद्ध महसूस नहीं करते हैं, तो हम फिर दूसरे से छीनने का विचार करते हैं, छीन कर अपने पास जमा करने का विचार करते हैं। अब छीनते हैं दूसरे का शोषण होता है, अपने पास इकट्ठा करते हैं संग्रह होता है ना। जो मैंने आपको एक वीडियो का लिंक शेयर किया था ना, स्टोरी ऑफ स्टफ, आप में से कितने लोगों ने देखा उसको? अगर देखा होगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। अगर आपने देखा उसको? नहीं नहीं, आप हमने नहीं देखा, हमें नहीं मिला। अच्छा ठीक है, उसका आप शाम को आज देखें, स्टोरी ऑफ स्टफ यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको। दीप्ति जी ने देखा है, आपने मेल पे शेयर किया? मेल पे नहीं किया, हमने स्लाइड में दिखाया था आपको। ओके समीरा जी, ग्रुप में है, ग्रुप में डाल दिया है राजन जी ने शायद जी। ठीक है, थैंक यू। ये समृद्ध होने की पहचान है कि दूसरे का पोषण करने की सोचते हैं, सदुपयोग करने की सोचते हैं। दरिद्र महसूस करते हैं, संग्रह और शोषण की सोचते हैं। इसे मैंने एक रिफ्लेक्शन भी आपसे लिया था, इसको मैं क्लोज करता हूँ। बहुत अच्छा, तो ये आपसे पूछा गया था कि मेरे शरीर के पोषण संग्रह सही सदुपयोग के लिए जो आवश्यक सुविधा है वो मेरे पास उपलब्ध है कि नहीं। तो कई लोगों ने कहा है कि आज के साथ साथ भविष्य के लिए भी पर्याप्त है। कई लोगों ने कहा है कि पर्याप्त से भी कहीं अधिक है, और अधिकतर लोगों ने कहा कि समृद्ध है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिर्फ एक चर्चा के आधार पर हम अपने अंदर समृद्धि को देख पाते हैं। जिस समृद्धि को पूरा करने के लिए पूरी शरीर यात्रा कम पड़ जाती, पूरी धरती पे जीत हासिल करना भी कम पड़ जाता, उस समृद्धि को हम बैठे बैठे अपने आप में इंश्योर कर लेते सिर्फ समझ के आधार पर ना। ये समझ का महत्व है। एक बार हम समझ जाए कि सुविधा की आवश्यकता सीमित है, हम बैठे बैठे समृद्ध हो जाते हैं। नहीं तो हम पूरी जिंदगी लगाकर पूरी धरती को भी जीतने के लिए प्रयास करके भी समृद्ध नहीं हो पाते। ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण मिल जाते हैं। तो इसलिए भी जो कल बात हुई थी ना कि दो तरह के लोग दिखाई देते हैं, कि सुविधा विहीन दुखी दरिद्र और सुविधा संपन्न दुखी दरिद्र। तो अगर सुविधा की आवश्यकता की पहचान न हो तो ये कॉमन फैक्टर बना रहता है दुख और दरिद्रता का, भले सुविधा विहीन से सुविधा संपन्न हो जाए। परंतु चाहते क्या, सुविधा संपन्न हो साथ में सुखी समृद्ध हो। तो चूंकि आवश्यक सुविधा को पहचानना भी निश्चित नहीं है, इसलिए कभी एक कभी दो में दोलन होता रहता है। आज समृद्ध महसूस, आज सुविधा संपन्न महसूस करते हैं, कल विहीन महसूस करते हैं। परंतु समृद्ध हो पाते हैं जब ये दोनों बातें हो पाती हैं, कि आवश्यक सुविधा की सही पहचान हो जाए और सही हुनर से हम उसका उत्पादन कर पाए, उपलब्ध करा पाए। अब थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर बात करते हैं।
है ना, हमने समृद्धि को बात किया, तो ये बात हुई थी कि अगर मैं और शरीर का सहअस्तित्व तो ठीक से समझ में आए तो स्वास्थ्य और समृद्धि इन दोनों के लिए कार्यक्रम निश्चित हो पाता है। तो स्वास्थ्य को अगर समझें तो ये दो बातें कही गई थी, शरीर मैं के अनुसार काम करे और दूसरा शरीर के सभी अंग प्रत्यंग के बीच में व्यवस्था हो। इसको एक रिफ्लेक्शन लेते हैं आपका यहाँ पे कि आज जो स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो उनका अधिक होने का कारण है, क्या लगता है उसका मेजर कारण शरीर के साथ जुड़ा हुआ है या मैं के साथ जुड़ा हुआ है या दोनों के साथ ही नहीं जुड़ा हुआ है? तो आप रिफ्लेक्ट करते तो थोड़ी बात आगे बढ़ाते हैं। तो शरीर को देखें तो अपने आप एक व्यवस्थित तंत्र है और खरबों कोशिकाएं हैं, अरबों टिश्यूज हैं हमारे बॉडी में और सभी एक दूसरे के पूरक हैं। तो कोशिकाएं मिलकर टिश्यूज यानी उत्तक बनाते हैं, उत्तकों से अंग बनता है, अंग से अंग प्रणाली बनती है, उन अंग प्रणाली से पूरा शरीर बनता है और सभी एक इकाइयां जो अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार होते हैं। जब मैं बोल रहा हूँ ना, मेरे बोलने में मेरे मुंह की भागीदारी है, मेरे वोकल कॉर्ड की भागीदारी है, मेरे लंग्स की भागीदारी है, ये सभी मिलकर भागीदारी कर रहे हैं इस अर्थ में मैं आपसे संवाद कर पाऊं। तो शरीर एक जड़ इकाई है, इसे एक निश्चित आचरण है, निश्चित पहचाना निर्वाह करना है और ये प्रकृति की जो बाकी इकाइयां हैं उनके साथ प्राकृतिक व्यवस्था में जुड़ा हुआ है। कोई कुछ कह रहे तो प्राकृतिक रूप से एक व्यवस्था में बना हुआ है। इसमें सेल्फ का रोल क्या, मैं की भूमिका क्या है? तो शरीर में व्यवस्था सुनिश्चित करना मैं की जिम्मेदारी है। शरीर के प्रति जिम्मेदारी का जो भाव है वो कहाँ होगा, मैं में या शरीर में? तो मैं में होगा। भाव कहाँ होगा, मैं में होगा। उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए जो आवश्यक सुविधाएं हैं उसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी किसकी होगी, मैं की होगी। ये भाव शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है कि जब मैं शरीर के प्रति इतना जिम्मेदार हो पाता हूँ, मेरे अंदर ये बात स्पष्ट हो जाती है शरीर मेरा साधन है, तो मैं शरीर प्रति अधिक से अधिक जिम्मेदार हो पाता हूँ और उसके लिए मैं सुविधाओं का सदुपयोग कर पाता हूँ, शरीर के पोषण के अर्थ में, संरक्षण के अर्थ में और सदुपयोग के अर्थ में। तो ये जो बात हम लोग कह रहे थे ना कि अभी कल्पनाशीलता को देखें तो ऐसी स्थिति है, परंतु यदि अगर हमारे अंदर संयम का भाव होता है तब तो वो हमारी सहज स्थिति से सुनिश्चित हो पाता है, जो शरीर के पोषण के लिए भोजन का जो हम चयन कर रहे हैं। परंतु ऐसा हो सकता है कि जो भोजन का चयन कर रहे हैं वो दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, शो ऑफ के लिए कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ वहां से करीब 60 किलोमीटर दूर कोई एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे कोई आलू पराठा मिलता है और लोग पूरे एक दिन का समय लगाते हैं, वहां जाते हैं, आलू पराठा खाते हैं और फिर फेसबुक पे डालते हैं कि मैंने यहाँ जाके आलू पराठा खाया। अब उस आलू पराठा खाने पूरे दिन भर का समय निकल गया कि नहीं, और फिर उसे फेसबुक पर डालने की क्या जरूरत है? तो कई बार हम भोजन का जो चयन करते हैं वो शो ऑफ के लिए करते हैं। ऐसा बताते हैं कुछ ऐसे होटल हैं भारत देश में ही जहाँ पे एक समय एक परिवार के खाने का जो खर्च है, ये आज से 20 साल पहले का डेटा दे रहा हूँ, 1,00,000 रुपए से अधिक है। अब इतना सारा पैसा क्यों खर्च कर रहे हैं? अब आप उस 1,00,000 रुपए का भोजन करके आए और अगला व्यक्ति आपकी ओर ध्यान ना दे, सुने नहीं, आपकी बात को सुन के इग्नोर कर दे, तो पूरा 1,00,000 रुपया वेस्ट चला गया। कई बार हम भोजन का जो चयन करते हैं शो ऑफ के लिए करते हैं, फिर कई बार हम भोजन का जो चयन करते हैं स्वाद के लिए करते हैं कि अच्छे से स्वाद मिल जाए। अभी जो स्वाद के लिए चयन किया ये संवेदना से परतंत्र है, जो शो ऑफ के लिए किया मान्यता से परतंत्र है। अगर हम संयम के भाव से भोजन का चयन करें तो फिर वो हमें सहज रूप से स्वीकार होता है। ये देखने की बात है कि हम अभी भोजन का जो चयन करते हैं कहाँ से करें, कपड़े का जो चयन करते हैं कहाँ से करते हैं, मकान का जो चयन करते हैं, गाड़ी का जो चयन करते हैं कैसे करते हैं, कहाँ से करते हैं? थोड़ी सी स्पीड कम रखिए प्लीज। अच्छा ठीक है, ठीक है, थोड़ा समय हुआ जा रहा है। अगर आप लोग अनुमति दें तो मैं 10 मिनट और आगे बढ़ा लूं चर्चा को 4:40 तक। मेरी ओर से तो सर सहर्ष सहमति है। बिल्कुल बिल्कुल, आज काफी हो गया, अभी आपकी 3-4 चीजें आपने बहुत फास्ट कर दी हैं। अच्छा तो क्या कि पहली वाली चीज को आपका जब तक विचार में आ नहीं पाती तब तक आप सेकंड उस पर जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा निवेदन है मेरा। तो मैं ऐसा करता हूँ समय थोड़ा बढ़ा लेता हूँ और आप मुझे कहीं भी रोक लें और आप कहें तो पिछले स्लाइड पे चला जाता हूँ। हाँ थोड़ा सा सर, पिछली 2-3 स्लाइड से सिर्फ एक बार रिपीट करते हुए आप चले तो मैं चीजों को थोड़ा सा कंटिन्यूटी में देख पाऊंगी, समझ पाऊंगी।
तो ये जितनी हम लोगों ने बात की ना, उससे निकल कर आता कि शरीर अपने आप में एक व्यवस्था है। ये बात का अप्रिशिएट करने की है, शरीर में इतने सारे अंग प्रत्यंग हैं, इतने सारे टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, सिस्टम्स हैं, और इतना हार्मोनियसली काम कर रहे हैं, इतने व्यवस्थित ढंग से काम कर रहे हैं। अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ शरीर में भोजन डाल दिया और शरीर अपने आप में पचा रहा है, फिर पचा के हमको एक सूचना दे देता है कि भूख लग गई, भोजन का अभाव हो गया और भोजन डाल दूंगा, और फिर हम भोजन डाल देते हैं। यदि हम थोड़ा उस तरह से देखें तो हम बस इतना ही करते हैं कि शरीर में भोजन डाल देते हैं, शरीर उसको पचाने का काम करता रहता है, और एक पूरे व्यवस्थित तंत्र के रूप में हम सो जाते हैं और हम निश्चिंत रहते हैं कि जब सुबह उठेंगे तो शरीर हमको एक ही जैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि मेरा हाथ बिखर के कहीं और चला गया होगा, पैर बिखर के कहीं और चला गया होगा, नहीं, आंखें सिर के ऊपर से नीचे चली गई होंगी, ऐसा तो लगता नहीं है। तो शरीर एक अपने आप व्यवस्थित तंत्र है, और खरबों कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं से कई सारे अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, और सब आपस में इतने सामंजस्य के साथ काम कर रहे हैं। जितना जितना हम लोग इसको समझेंगे ना, हमको आगे प्रकृति भी दिखाई देगी, पूरी प्रकृति भी ऐसी सामंजस्य में काम कर रही है, हम उसको अप्रिशिएट कर पाए ना कर पाए। और इसका एक निश्चित आचरण है, शरीर का एक निश्चित आचरण है। जैसे अभी आप देखें, हम सांस लेते हैं, सांस लेने के साथ ही जो नाक से संवेदना आती है उसे पता चलता है कि शरीर में स्वास्थ्य की स्थिति क्या है, जुकाम है या नहीं है। अगर जरा सा भी जुकाम होता है तो नाक में आपको पानी का होने का पता लगेगा, सर में थोड़ा भारीपन का पता लगेगा, ये एक संकेत मिलता है हमको कि शरीर का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, शरीर का और ध्यान रखना है। तो शरीर का एक निश्चित आचरण है, हमारे शरीर में इतने सारे अंग हैं, देखिए तो फेफड़ों का एक निश्चित आचरण है, हर बार वो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, एक निश्चित आचरण है। धमनियों में जो खून दौरा उसका एक निश्चित आचरण है, पाचन की जो क्रिया हो रही है एक निश्चित आचरण है, पूरे शरीर में देखिए आप निश्चित आचरण है, जितनी ज्ञानेंद्रियां हैं निश्चित तरीके से काम कर रही हैं, जो कर्मेंद्रियां हैं निश्चित तरीके से काम कर रही हैं। मानव में देखें तो अनिश्चित आचरण जो का है वो कहाँ है, मैं में है, सेल्फ में है, शरीर में कोई अनिश्चितता नहीं है। और यह प्रकृति के बाकी कार्यों के साथ प्राकृति से जुड़ा हुआ है। अभी लॉकडाउन में हमको बैठना पड़ता है और शरीर में कोई ना कोई व्याधि होने लगती है, क्योंकि अगर वो शुद्ध हवा ना मिल पाए, पानी ना मिल पाए, अंगों का चलना फिरना रुक जाए तो कठिनाई होती है। तो शरीर को अगर हम प्रकृति के साथ जोड़ के रखते हैं तो शरीर का स्वास्थ्य भी अपने आप बना रहता है। तो शरीर अपने आप में एक निश्चित आचरण की इकाई है, ये समझने की बात है। और शरीर सहज रूप से स्वस्थ ही रहता है, मानव को बस को बनाए रखना होता है, परंतु नासमझी में हम शरीर को बिगाड़ लेते हैं, नासमझी में हम शरीर का दोहन करते हैं, शरीर का शोषण करते हैं। अब किसी ने मुंह में कोई ऐसी चीज डाल दी जो शरीर में आवेश पैदा कर रहा है, किसी ने शराब डाल दी, नशा का कोई वस्तु डाल दिया, ड्रग्स डाल दिया, अब ये क्या हो रहा है, इसे पूरे शरीर में व्याधि उत्पन्न, बहुत मसालेदार भोजन डाल दिया, बहुत लाउड म्यूजिक है ना कानों के डाल दिया, इससे क्या हो रहा है, शरीर की जो अपनी व्यवस्था है वो भंग होती है। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं जो सुख चाहता है, मैं को भी सुख का स्रोत स्पष्ट नहीं है, तो लगता है संवेदनाओं से सुखी होंगी, तो संवेदनाओं से सुखी होने क्रम में पूरे शरीर को परेशान कर डालते हैं, नहीं तो शरीर में व्यवस्था सुनिश्चित करना मैं की जिम्मेदारी है, और शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव भी कहाँ होगा, मैं में होगा। उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए जो आवश्यक है वो मैं सुनिश्चित करता हूँ, और ये भाव शरीर में स्वास्थ्य सुनिश्चित करता है। जो मेरे अंदर संयम का भाव है, यानी शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव है, इसका एक नेचुरल आउटकम है स्वास्थ्य। ये बात समझने की है कि स्वास्थ्य एक नेचुरल आउटकम है, बहुत ज्यादा उसके लिए अलग से हमको बहुत जुगाड़ करने की जरूरत नहीं है, शरीर तो स्वस्थ ही रहता है अपने आप से, हम उसके स्वास्थ्य को बिगाड़ते हैं। अगर रात को सोने की बारी है और हम बहुत देर रात को सोते हैं, 3-4 बजे, बहुत सुबह लेट से उठते हो, तो शरीर का स्वास्थ्य बिगड़ता है। नहीं तो आप देखें जो शरीर की व्यवस्था है वो जैसे ही रात होती है शरीर ढीलापन लगता है, जैसे पाव फटता है शरीर में उठने की एक एक तंत्र इस तरह से काम करने लगते हैं। तो शरीर को थोड़ा अगर हम जितना जितना अध्ययन करेंगे ना उतना हम उसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। कठिनाई कहाँ है, मैं में। अभी मैं में कैसे कठिनाई है, जो हम पहले ही बात कर रहे थे कि मैं में कल्पनाशीलता चल रही है। जी, इतने को लेकर कोई प्रश्न हो तो बताएं, प्रश्नों को पूछ सकते हैं, और अगर आप लोग समय दे रहे हैं तो मेरे पास समय ही समय है तो मैं तो बात आगे रखता जाऊंगा, आराम से ही बात कर सकते हैं। जी थैंक यू सर, अभी तक बहुत अच्छे से हो गया, थैंक यू। कुमार
और हम लोग इंद्रपाल सिंह जी से अनुमति ले लेते हैं और वो पूछ लेते हैं कि कितने समय तक सेशन को चलाएं। सर वैसे तो मुझे हमेशा ये लगता है कि जो टाइम भी हमारा एक अनुशासन है, हालांकि टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत अच्छी चर्चा हो रही है, हमारा प्रयास रहे आगे से कि हम अपने जो भी हमारा शेड्यूल हम तय करते हैं उसी पर हमारे कार्यक्रम को हम संचालित करें। और मेरा ये भी अनुरोध है कि जब ब्रेक होता है तो वो ब्रेक ही हो जो है, मैं ये भी बात कहना चाहता हूँ, परंतु अभी की चर्चा को देखते हुए इतनी इंटरेस्टिंग है शायद इसको बीच में छोड़ना अच्छा नहीं होगा, तो मुझे लगता है 10-15 मिनट ये हम इसको कैरी ऑन कर सकते हैं। जी धन्यवाद, धन्यवाद। ये बात हो रही थी कि अल्टीमेटली प्रॉब्लम मैम में है। मैम में कहाँ प्रॉब्लम है कि मैम में जो कल्पनाशीलता है वो परतंत्र है मान्यताओं के, संवेदनाओं के। अब एक उदाहरण लिया जाए अगर भोजन का, तो भोजन का चयन तीन प्रकार से हो सकता है। अगर संयम के भाव के साथ है यानी अपनी सह स्वीकृति के आधार पर है तो हम जो भोजन का चयन करेंगे शरीर के पोषण के अर्थ में करेंगे, परंतु यदि वो मान्यताओं से परतंत्र है, अगर हमने मान लिया है कि भोजन दिखावे की वस्तु है तो हम भोजन ऐसा प्रयोग करते हैं जो दूसरों का ध्यान पाने के लिए है, कई बार उसके शरीर खराब कर लेते हैं। अगर आप हम इंडियन मार्केट में ही देखें तो बहुत सारा ऐसा भोजन आ गया है। अभी आप देखिए ना, घर में अगर भोजन हम बनाएं, खुद से बनाएं, उसमें आवश्यक सामग्री डालें, इतना पौष्टिक भोजन बनेगा, बट हम भोजन बनाते नहीं हैं और हम ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हमें खुद भी पता नहीं है कि ऑनलाइन ऑर्डर करने में जो भोजन आया उसमें क्या क्वालिटी है, किस प्रकार का भोजन है, और हम उसे करते हैं और फिर हम उसे फेसबुक पे मार्क करते हैं, व्हाट्सएप पे चैट करते हैं और बताते हैं कि देखो हमने ये भोजन लिया, ये मंगाया, राइट। ये वाला पॉइंट तो हो गया है, अभी आगे वाला जो पॉइंट्स है ना वो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको कर लेते हैं। हाँ नहीं, वो दीदी कहना था कि इसको थोड़ा सा इलैबोरेट। ठीक है ठीक है। तीसरा संभावना है कि स्वाद के लिए भोजन कर रहे हैं, है ना, बहुत स्पाइसी फूड ले रहे हैं, बहुत कुछ ऐसा ले रहे हैं जिससे हमको सेंसेशन मिले, बट यहाँ पे भी देखें तो अल्टीमेटली इससे मैं परेशान होने वाला हूँ। तो मैं आराम तभी होगा जब हम संयम के भाव के साथ भोजन का चयन करें, और शरीर भी व्यवस्थित रहेगा यदि संयम के साथ भोजन का चयन करें। तो स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम क्या बनता है, तो स्वास्थ्य कार्यक्रम को देखने जाएं तो चार तरह के कार्यक्रम बनते हैं। पहला आहार विहार, दूसरा है श्रम व्यायाम, तीसरा है आसन और प्राणायाम, चौथा है औषधि और चिकित्सा, औषधि उपचार, शल्य चिकित्सा, इस तरह की चीजें। अब अगर एक नियमित कार्यक्रम के रूप में देखें तो आहार विहार और श्रम, तीन चीजें दिखाई देती हैं। अब आहार का मतलब भी अगर फैला कर देखें ना, तो आहार में हवा, पानी, सूरज की रोशनी, भोजन, इसमें भोजन पौष्टिक हो, सुपाच्य हो, स्वादिष्ट हो और अपशिष्ट बाहर निकलने योग्य हो, ऐसा भोजन। कई बार यहाँ वेस्टर्न यूपी में एक शब्द बोलते हैं पापोनी, पाचक पोषक निष्काशक, ऐसा भोजन हो। और सभी का सेवन हमारी इंद्रियां, जो हमारी ध्वनि की है, दृष्टि की है, गंध की है, इंद्रियों के माध्यम से होता है। तो हमारे आहार में सब कुछ शामिल है कि शरीर को ठीक हवा मिल रही है कि नहीं, ठीक पानी मिल रहा है कि नहीं, सूरज की रोशनी मिल रही है कि नहीं। ऐसा बताते हैं कि अगर आप सुबह उठकर कुछ ऐसा श्रम करते हैं जिसमें सूरज की जब रोशनी सुबह सुबह आनी शुरू होती है और आपके शरीर से पसीना निकले तो शरीर में विटामिन डी बढ़ता है, जो शरीर के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। परंतु अभी जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल बन गया है ना, उसमें ये विटामिन डी नहीं मिल पा रहा। कई बार लोगों की जो शरीर में व्याधियां हो रही है, रोग हो रहे हैं, विटामिन डी की कमी कारण हो रहा है। वैसे ही अगर हम विहार की बात करें तो उसमें उठने का समय, सोने का समय, खाने पीने का समय, ये सब शामिल है। श्रम करते हैं, श्रम से सुविधा का उत्पादन होता है, परंतु यदि श्रम नहीं कर पाए तो व्यायाम करते हैं, ये और बात है, व्यायाम में कोई सुविधा का उत्पादन नहीं होता है। तो एक नियमित कार्यक्रम के रूप में देखें स्वास्थ्य के लिए क्या कार्यक्रम बनेगा, तो आहार विहार और श्रम, ये तीन नियमित कार्यक्रम दिखाई देता है, हमारा आहार ठीक हो। आहार में भी देखें तो तीन चीजें हैं, ग्रहण, पाचन, निष्कासन, कि भोजन का ग्रहण ठीक से करें। जैसे हम भोजन लेते हैं कितनी बार चबा के लेते हैं, फिर उसको पाचन करने के लिए पर्याप्त समय दिया कि नहीं दिया, कि हमने खाया और तुरंत दो घंटे बाद फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ अनावश्यक चीजें खा ली, उसका पाचन ठीक से हो पा रहा कि नहीं, और ज्यादा महत्वपूर्ण निष्कासन हुआ कि नहीं, पिछले दिन जो हमने खाया आज उसका निष्कासन ठीक से हुआ कि नहीं। ऐसा बताते हैं कि अगर निष्कासन ठीक से न हो तो शरीर में वायु उत्पन्न होता है और शरीर में 250 बीमारियां हैं इंक्लूडिंग हार्ट अटैक, जो शरीर में वायु उत्पन्न होने से होती हैं। तो अगर हमारा आहार ठीक नहीं है तो हमने भोजन का चयन ठीक ना किया, भोजन को ग्रहण ठीक से नहीं किया, पाचन ठीक से नहीं हुआ, निष्कासन ठीक से नहीं हुआ, तो शरीर में बीमारी होना निश्चित है।
एक तो आहार ठीक हो, दूसरा विहार ठीक हो, हमारा उठने जागने सोने बैठने का नियम ठीक हो, जीवन शैली ठीक हो, इसी बात की श्रम करें। और इनफैक्ट इस लॉकडाउन पीरियड में भी देखें तो श्रम का बहुत सारा अवसर है। जैसे अगर हम अपना घर का झाड़ू पोछा खुद लगाया, आप अगर पोछा लगा के देखें, मैं तो इसको प्रयोग पूर्वक बिल्कुल देखा है, तो पोछा अगर आप घुटने के बल झुक के लगाते हैं, पूरे घर में लगाते हैं, तो उससे आपके सारे ज्वाइंट्स एक्सरसाइज होता है, घुटनों का भी, एंकल्स का भी, कंधे का भी, केहूनियों का भी और रिस्ट का भी। अब ये इस तरह का श्रम यदि हम करते हैं है ना, तो हमारे शरीर के रखरखाव में भी उपयोगी है और हमारे जो भी सुविधाएं उनके रखरखाव में उपयोगी है। प्लस हम जाकर जो श्रम करते हैं इंडस्ट्री में, खेतों में, ये सारा उसमें शामिल है। इनफैक्ट आज की एजुकेशन के साथ एक मान्यता गलत बन गई है कि अगर मुझे पढ़ने लिखने के बावजूद श्रम करना पड़े यानी पढ़ाई लिखाई अधूरी रह गई, अगर हमें सिर्फ कलम चलाना पड़े, कंप्यूटर पर टाइपिंग करनी पड़े, दूसरों पर शासन करना पड़े, तो पढ़ाई लिखाई सफल हो गया, ऐसा एक मान्यता बन गया। परंतु ऐसा नहीं है, श्रम हमारे शरीर के स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। इनफैक्ट ऐसा भी बताती है कम से कम 4 घंटे का श्रम हो शरीर से, तब जाके शरीर अपने आप सहज रूप से स्वस्थ रहता है। अभी भी मैंने ये चीज देखो देखा, पैंडेमिक में जो कोरोना फैला हुआ है, तो जहाँ अभी रह रहे हैं वहां पे डिफेंस के लोग रहते हैं और कई सारे लोग डिफेंस के बीमार पड़े, कई लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि वो बहुत सारी सुविधाएं उनके घरों में है। परंतु वो लोग जो रोज कचरा उठा रहे हैं या वॉचमैन का काम कर रहे हैं या दैनिक जो साफ सफाई का काम देख रहे हैं, ये सारे लोगों के स्वास्थ्य को लेकर अभी तक कोई सूचना नहीं है, किसी के डेथ को लेकर कोई सूचना नहीं है। कम से कम मैं अपनी कॉलोनी कर, मैं उसको नहीं कर रहा, हर जगह ही बात लागू होगी। यानी कि श्रम करने से हमारे शरीर का इम्यूनिटी बढ़ता है, हमारे बॉडी का एक्सपोजर नेचर के ज्यादा हो पाता है, तो ये बहुत आवश्यक चीज है। तो आहार विहार और श्रम, इसको हमको अपने दिनचर्या में शामिल करने की जरूरत है। अगर श्रम नहीं पूरा पड़ा तो व्यायाम कर सकते हैं। कुछ हैंड रेज्ड है बट मैं थोड़ा सा इस बात को पूरा कर लूं, फिर आपके प्रश्नों को ले लूंगा मैं। व्यायाम कर सकते हैं, इसके साथ अगर शरीर का कोई ऐसा अंग है, आंतरिक हो या बाहरी हो, जिसको लगता है कि उसका पर्याप्त ध्यान नहीं रखा जा सका, उसके लिए हम आसन कर सकते हैं और स्वास्थ्य को नियंत्रित करने के लिए हम प्राणायाम कर सकते हैं। और आप पाएंगे कि कई बार श्रम करते हुए भी ये सब चीजें होती है, परंतु इनसे वो चीजें थोड़ी नियमित हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। अगर इन 3 चीजों से पूरा न पड़े तो फिर हमको अस्थायी जो अव्यवस्था हो जाती है शरीर में, उसको दूर करने के लिए औषधियों का प्रयोग कर सकते हैं। औषधि में भी देखें तो आयुर्वेद जैसी औषधियां हैं, उसका प्रयोग कर सकते हैं, होम्योपैथी है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। बाद में अगर हम देखें तो रिजॉर्ट होता है कि हम केमिकल्स का भी प्रयोग करें, है ना, परंतु केमिकल्स भी उपयोगी है, औषधियां भी उपयोगी है, जो आयुर्वेद की औषधियां वो भी उपयोगी है, इन सबका प्रयोग कर सकते हैं। इन सब से अगर बात ना बने, फिर भी लगता है कि शरीर बीमार पड़ा हुआ है, नहीं ठीक हो पा रहा, तो फिर हम मशीन का या अलग से कोई दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं, जिसमें हम उपचार करें, कई बार सर्जरी करानी पड़ते हैं, सर्जरी करा लें। तो ये एक कार्यक्रम के रूप में दिखाई देता है स्वास्थ्य के लिए। इस पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें और इस पर और आज थोड़ा सा आप विचार करें, कल हम लोग इस पर रिफ्लेक्शन और ले सकते हैं। एक रिफ्लेक्शन अभी ले लेता हूँ मैं। तो मैं अपने लिए क्या चाहूंगा, एक स्वस्थ जीवन शैली जिसमें मैं सही दिनचर्या, श्रम, व्यायाम, पोषण के साथ स्वस्थ रहना चाहता हूँ, या मुझे लगता है कि मैं अपनी जीवन शैली खुद नहीं चुन सकता, इसे दवा उपचार आदि का प्रयोग करना जरूरी है मेरे लिए। जी, हैंड रेज था हिमांशी जी का, प्रश्न ले लेते हैं आपका। जी हिमांशी जी बताएं। एक जो बात आई कि जो हमारे सफाई कर्मी हैं उनकी रिपोर्ट ज्यादा नहीं हुई डेथ की, तो चूंकि मैं भी ऐसे ही मानता था और ज्यादातर जगहों पे यही बात होती है कि उनकी डेथ नहीं हुई, लेकिन अभी रोज मैं सुबह वॉक करने जाता हूँ तो एक सफाई कर्मी, उसकी जिसकी वाइफ मर गई, फिर अभी हमारे घर की तरफ एक सफाई कर्मी, वो भी लेडी थी और उसकी भी डेथ हुई। तो शायद ये चीजें रिपोर्ट उतनी ज्यादा नहीं हो रही, लेकिन सामान्य चर्चा में ज्यादातर यही प्रचलित है कि उनकी डेथ नहीं हो रही। लेकिन ये दो उदाहरणों ने मुझे हमारे जो एक छोटी सी धारणा बना ली थी उसको तोड़ा, बस यही शायद नहीं, ठीक है ना। अगर देखिए वो भी, उनके लिए भी तो एहतियात बरतना जरूरी है, शरीर का ध्यान रखना जरूरी है। तो मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि होता ही नहीं है, परंतु श्रम जब करते हैं तो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है, ये तो बात निकल कर आ रही है, और जितना हमारा नेचर से एक्सपोजर होता है बॉडी की इम्यूनिटी और बढ़ती है। परंतु ठीक है, इसको ये तो कुछ आंकड़े सूचना के रूप में है, हम ये भी देखें कि संयम के भाव के साथ हम कैसे शरीर के स्वास्थ्य का ठीक ठीक ध्यान रख सकते हैं, और ये भी देखना शुरू करें कि हम अपने दिनचर्या में कितने घंटे श्रम कर रहे हैं, हमारा शरीर का रखरखाव किस प्रकार है, कब सोते हैं, कब जागते हैं, कब उठते बैठते हैं, हम भोजन क्या ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, किस विधि से ले रहे हैं। जी
मानसु जी आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं आपका हैंड रेज्ड है अभी? वाह, सभी लोगों ने कहा है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं अपने एक स्वस्थ जीवन शैली के साथ, बहुत अच्छा। तो अगर हम स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम की वरीयता को देखें तो पहली वरीयता इसके लिए आहार विहार और श्रम हमारा ठीक हो जाए। उसमें वन ए में अगर रखें तो आहार विहार श्रम आता है, वन बी में रखें तो जिसमें व्यायाम भी है आसन प्राणायाम भी है। दूसरी वरीयता में आता है कि हमको औषधियों का प्रयोग करना पड़े, और तीसरी वरीयता है जहाँ पे हमको उपचार शल्य चिकित्सा इन सब का प्रयोग करना पड़े। अभी हम क्या करते हैं, हम पहले वाले काम को ठीक से ना करें, ठीक, और दूसरे काम को समय समय पर करें, और तीसरे डिपेंडेंट रहें, कुछ भी होगा इतना पैसा कमा लेंगे कि शरीर को ठीक कर लेंगे। अभी कई बार ऐसा सोचना हो जाता है। मैं बताऊं, मैं बचपन में एक साथी था हमारा, वो सिगरेट पीता था, मित्र था, तो मैंने उसे कई बार कहा कि आप कोई स्मोकिंग करते हो, तो उसने कहा कि मैं बाद में इतना पैसा कमाऊंगा कि अपने लंग्स ट्रांसप्लांट करा लूंगा। अब ये हो सकता है बचपने की बात हो, है ना, परंतु कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ठीक है अधिक पैसा कमाएंगे उसे हम शरीर के पूरे सिस्टम को ही ट्रांसप्लांट करा लेंगे, बदल देंगे, परंतु बॉडी का जो नेचुरल हेल्थ है वो तो इंश्योर नहीं होगा। तो अगर हम इस ठीक से वरीयता को लेकर चलें तो शरीर में स्वास्थ्य स्वाभाविक रूप से रहता है, तो शरीर मैं के अनुसार कार्य कर पाता है और शरीर के अंग प्रत्यंग में व्यवस्था बनी रहती है। इस बात को थोड़ा एक बार और रिफ्लेक्शन ले लेते हैं। तो संयम और स्वास्थ्य में उचित प्राथमिकता क्या है, संयम की या स्वास्थ्य की? संयम से स्वास्थ्य होगा, स्वास्थ्य से संयम होगा, क्या लगता है जी? अंकुर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? सर नमस्कार, एक्चुअली मैं तकरीबन 3.5 साल बेड पे रहा हूँ अपने स्वास्थ्य को बिगड़ने के कारण, और उसके बाद मैं आजकल हेल्थ और लाइफस्टाइल से रिलेटेड वर्कशॉप करता हूँ, लेकिन मैंने ज्यादातर केसेस में ये देखा है कि जानकारी होने के बाद भी आदमी तब तक स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान नहीं देता जब तक उसके साथ कुछ घटित नहीं होता है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बात है। होता क्या है ना कि आदमी तो सुखी होना चाहता है, समृद्ध होना चाहता है, और सुख को अगर उसने संवेदनाओं से जोड़ा हुआ है तो सारी सूचनाओं के होने के बावजूद शरीर का रखरखाव बिगाड़ लेता है। इसलिए हम लोगों ने सुख से बात शुरू की और फिर स्वास्थ्य की बात कर रहे कि अगर मनुष्य के पास सुख को लेकर स्पष्टता नहीं है, मनुष्य का सुख के लिए कार्यक्रम निश्चित नहीं है, तो हम स्वास्थ्य में से जितनी भी जानकारियां दे दें उपदेश मात्र हो जाती है, वो उससे काम चलता नहीं है। ठीक है, ज्यादातर साथियों ने, इनफैक्ट सिर्फ एक साथी ने कहा कि स्वास्थ्य उच्च प्राथमिकता है, बाकी सभी ने कहा है, 36 लोगों ने कहा है कि संयम उच्च प्राथमिकता है। तो इस पूरी बात को अगर सार संक्षेप में रखें तो मनुष्य स्वयं यानी मैं और शरीर का अस्तित्व है, मैं मानव के होने के केंद्र में है, शरीर मैं का एक साधन मात्र है, और मैं और शरीर के बीच लेन देन केवल सूचना के रूप में होता है। शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के लिए सीमित मात्रा में सुविधा की आवश्यकता होती है। समृद्धि को उन्होंने देखा कि समृद्धि में दो चीजें हैं, एक तो आवश्यक सुविधा की पहचान ठीक हो जाए, दूसरा उससे अधिक की उपलब्धि का भाव हो हमारे अंदर और उसके लिए उत्पादन की आवश्यकता है। और जो सुविधा की आवश्यकता की पहचान होगी वो सही समझ के द्वारा ही होगी, और जो आवश्यक सुविधा की उपलब्धता होगी वो सही कौशल के द्वारा होगी। ये बात मुझे लगता है हम सबको स्पष्ट है। और जब मैं में संयम का भाव होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, तब मैं और शरीर में व्यवस्था बनी रहती है। संयम का मतलब शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव, यानी शरीर के पोषण संरक्षण सदुपयोग के अर्थ में जिम्मेदारी का भाव, जिसका एक बहुत ही सहज रूप से फलन है स्वास्थ्य। तो शरीर मैं के अनुसार कार्य करता है और शरीर के सभी अंग प्रत्यंग के बीच में व्यवस्था रहती है। इतनी बात उन्होंने की अभी,